ओरियो केक जिसके लिए हम थोड़ा सामान असेंबल किया है, सो लेट्स हैव अ लुक। मैंने कुछ ओरियो बिस्किट्स लिए हैं एंड आई हैव पुट देम इन अ जार। नेक्स्ट आई वुड बी रिक्वायर्ड विद बेकिंग सोडा, शुगर, बटर, टू चॉकलेट्स फॉर गार्निशिंग एंड जेम्स फॉर गार्निशिंग। एंड आई हैव ऑल्सो कलेक्टेड सम मिल्क इन अ बाउल एंड आई हैव पुट ऑन अ गैस सो दैट इट गेट्स सम हीट अप। ओके, नेक्स्ट वी विल टेक सम ओरियो बिस्किट्स एंड पुट देम इन अ जार एंड आई विल मिक्स ऑल दीज इन्ग्रीडियंट्स टू फॉर्म अ पेस्ट। थोड़ा सा मिल्क बॉयल किया है, उसको मैं अपने इस मिक्सचर में ऐड कर दूंगी ताकि थोड़ा मेरा जो बैटर है वो इजीली रेडी हो जाएगा। मैं अपने जार को इस लिड से कवर कर दूंगी एंड आई विल पुट इट इन द प्लेस इट ओवर इट हियर ताकि मेरा एक बैटर तैयार हो जाए। तैयार किया है, आपने इसको स्लोली स्लोली ऑन ऑफ लो स्लाइट स्लाइट करना है वरना इसमें एयर लम्स आ जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने जो बैटर तैयार किया है इसमें थोड़े से एयर लम्स हैं, तो आई विल टेक अ फोक एंड मैं उसको अच्छे से चर्न करूँगी ताकि जो मेरे ये सारे एयर लम्स हैं वो निकल जाए। हम इसको अच्छे से चर्न करेंगे ताकि जो हमारे एयर लम्स हैं वो निकल जाए और हमारा बैटर इतना डिल्यूट, ज़्यादा ना ज़्यादा डिल्यूट ना ही ज़्यादा हार्ड होना चाहिए, थोड़ा सेमी डिल्यूटेड होना चाहिए। आपको इसको लगातार मतलब 1 to 2 मिनट्स ऐसे विद द हेल्प ऑफ फोक, आई विल रिकमेंड विद द हेल्प ऑफ फोक कीजिएगा। हमारा बैटर रेडी हो गया है, नेक्स्ट हम सेलेक्ट करेंगे कि हमें कौन से स्टेंसिल में अपना केक रेडी करना है। अगर आपको थोड़ा वॉल्यूम वाला चाहिए आई विल रिकमेंड दिस वन, अगर आपको चाहिए कि थोड़ा आपका बेस ज़्यादा होना चाहिए तो आई विल रिकमेंड कि आप इसमें करिए। बोथ हैव ब्यूटिफुल शेप्स तो आई विल गो फॉर दिस वन फॉर टुडे। एज द बैटर इज़ रेडी अब हम उसको अपने स्टेंसिल में डालेंगे। इसको करने के लिए आई ऑलवेज प्रेफर कि मैं बटर से इसकी प्रॉपरली ग्रीसिंग करूँ ताकि मेरा केक प्रॉपरली अनमोल्ड हो जाए। आप इसके अलावा बटर पेपर के लिए भी जा सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। ये स्टेंसिल की ग्रीसिंग करनी है ताकि मेरे बटर स्लोली उसमें डालें। तो मैं केक को माइक्रोवेव में डालने से पहले इसको प्री हीट करूँगी एट 180 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 मिनट्स ताकि जो मैं बैटर डालूं वो प्री हीट होने से पहले रेडी हो जाए। बस एक ओरियो का स्पेयर मैंने रखा हुआ था तो मैंने उसको एज अ गार्निशिंग यूज़ किया है। आप ओरियो बिस्किट को एज इट इज़ बाद में भी सजा सकते हैं। मैंने एज इट की टक्की में प्री हीट कर दिया है, ओवन में रखने से पहले ही मैं इसको इसमें रख दूँगी। आपने जो ये बैटर तैयार किया है आप अपनी शेफ पे इसको 1 to 2 टाइम्स ऐसे पैट कीजिए ताकि जब हमारे पैकेट में एक्यूमुलेटेड एयर लम्प होंगे वो नहीं रहे। मैंने अपने केक को प्री हीटेड ओवन में रख दिया है। अब मैंने इसको 120 डिग्री सेल्सियस पे सेट किया है फॉर 30 मिनट्स, सो लेट्स बेक द केक। तो हम 30 मिनट्स बाद इसको देखते हैं। आप ध्यान से देख सकते हैं कि हमारा केक रेडी हो रहा है, ये अपने आप बर्स्ट होके जो इसकी लेयर है उससे बढ़ जाएगा। तो आफ्टर 30 मिनट्स हमारा केक रेडी होगा, तो हम उसके ऊपर थोड़ी गार्निशिंग करेंगे। मेरा केक कंप्लीट होने वाला है, बेक होने वाला है, कुछ सेकंड्स रह गए हैं। आफ्टर दैट विद द हेल्प ऑफ द ग्लव मैं इसको पहले इसमें अनबॉक्स करूँगा, इसमें पोर करूँगी, फिर मैं उसको अपनी फाइनल प्लेट में विद द हेल्प ऑफ जेम्स में सजाऊंगी। केक बन जाए तो आप विद द हेल्प ऑफ फोक या फिर विद द हेल्प ऑफ टूथपिक इसको आप पहले एक बार अंदर ऐसे करके देखिए। अगर तो चॉकलेट आती है तो मतलब आपका केक को अभी भी बेकिंग का टाइम ज़रूरत है। जैसे कि मैंने अब इसमें करा है तो मेरी कोई भी रेड चॉकलेट नहीं आ रही, तो मीन्स कि मेरा केक एब्सोल्युटली रेडी है। हेल्प ऑफ ग्लव मैं इसको आराम से अपने केक को बाहर निकालूंगी। सो हेयर इज द फर्स्ट लुक ऑफ द केक।
केक हमारा रेडी है। मैंने जैसे आपको कहा था कि इसमें मैंने मार के देखा है तो कोई भी वेट चॉकलेट नहीं आ रही है। आपको अनबॉक्स इसको अनमोल्ड करने से पहले इसके एजेस को थोड़ा सा आप कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए ताकि वो इजीली, क्योंकि बटर लगा हुआ है तो इजीली अनमोल्ड हो जाएगा। फिर भी आप फोक से इसके एंड्स जो इसके चिपके हुए हैं वो आप कर दीजिए। अब ये मेरा केक सिंपल प्लेट में अनमोल्ड हो गया है। अब मैं इसको अपनी फाइनल प्लेट में अनमोल्ड करूँगी। आपने अपनी फाइनल प्लेट को ऐसे करना है एंड जस्ट सो हेयर इज द केक। अब मैं विद द हेल्प ऑफ जेम्स इसको डेकोरेट कर दूंगी। ऑलरेडी ये